धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक नई चीज निकल कर आई है जो कि देश के कानून मंत्री या यूं कहें आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की जबान से सामने आई है। मौका था पटना में हाईकोर्ट के शताब्दी समारोह का, नई बिल्डिंग के शुभारंभ का। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बॉबडे यानी कि शरद अरविंद बॉबडे समेत बहुत सारे जज साहिबान मौके पर मौजूद थे। तो कानून मंत्री ने भी अपना खिताब किया। उन्होंने कहा कि आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों के मन माफिक फैसला नहीं आता वो जज साहिबान को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और पीआईएल दाखिल करते ही उनके खिलाफ एजेंडा प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। कैसे उन्होंने कहा वो आपके सामने रखूं, उससे पहले मुझे लगता है कुछ तस्वीरों पर गौर कर लीजिए। 15 साल की पत्रकारिता के इतिहास के हिसाब से कुछ चीज़ें अगर आपके सामने रखूं तो ये कह सकता हूं कि अवमानना के केस जितने ज़्यादा इस सरकार के दौर में अदालतों के अंदर चल रहे हैं उतने अवमानना के केस कभी भी नहीं चले हैं। हालत तो यहाँ तक है कि सुप्रीम कोर्ट मुनव्वर फारूकी को जमानत दे देता है लेकिन जेल प्रशासन जो है वो उसको रिहा नहीं करता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज का वहाँ फोन नहीं पहुँच जाता। हालत ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट रिहा करने का आदेश दे देता है डॉक्टर कफील खान को लेकिन फिर भी मथुरा का जेलर कहता है कि हम रिहा नहीं करेंगे जब तक हमारे पास अलीगढ़ के डीएम का मैसेज नहीं आएगा। हालत ये है कि जो बड़े बड़े मुकदमे हैं वो नहीं सुने जाते हैं, जैसे धारा 370 पे पीआईएल दाखिल हो चुकी है। किसान आंदोलन चल ही रहा है, कृषि कानूनों को चुनौती दिए हुए भी 6-7 महीने हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि फिलहाल एक कमेटी बना दी गई है 1.5-2 महीने के लिए, जो कानून है उनके लागू करने पर रोक लगा दी गई है लेकिन आंदोलन सब कुछ चल रहा है। इसी तरीके से सीएए पर सुनवाई नहीं की जाती है, इसी तरीके से ट्रिपल तलाक के मामले पर जिसको संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई उसको भी नहीं सुना जाता। यही नहीं, जो चुनावी बॉन्ड है जिसके जरिए सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को मिल रहा है उस पर भी सुनवाई नहीं की जाती है। अब इनका जवाब कोई नहीं देता है, ना सरकार की तरफ से आता है ना जुडिशियरी की तरफ से आता है कि आखिर वो इन मुकदमों को क्यों नहीं सुन रही है। और जो भी कोई मुकदमे आते हैं जैसे भी आते हैं 2 मिनट में उनको सुनना शुरू कर देती है। तो ये वो दौर है जिसमें लगातार न्यायपालिका में भी सुधार की बातें हो रही हैं लेकिन सुधार होते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहा है। कई रिटायर्ड जज हैं, जैसे आप देखेंगे जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल जिनका हम कई बार इंटरव्यू कर चुके हैं, जस्टिस पीवी सावंत और इसके अलावा कई और जज साहिबान मार्कंडे काटजू वगैरह, अगर आप देखेंगे वो साफ कहते हैं कि यहाँ पे इंसाफ होना मुश्किल है। आपने देखा होगा नीरव मोदी के मामले में जस्टिस मार्कंडे काटजू ने ब्रिटेन में जाकर गवाही दी कि इनके साथ वहाँ इंसाफ नहीं हो पाएगा, इंडिया में इनको यहाँ नहीं भेजा जाना चाहिए। हालांकि वहाँ की अदालत ने मार्कंडे काटजू की दलील को यानी कि उनकी गवाही को इनकार कर दिया, नकार दिया और नीरव मोदी को भारत भेजने के जो है आदेश दे दिए, कहा कि वहाँ की जेलें भी ठीक है इनके रहने के लिए और वहाँ पे इनको इंसाफ भी मिल सकता है। लेकिन ये तमाम वो आवाज़ें हैं जो जुडिशरी के अंदर से ही लगातार उठती रहती हैं। तो ऐसे में होना क्या चाहिए, सुधार की बात होनी चाहिए ना कि नैरेटिव बनाने की बात होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार का चरित्र आप जानते हैं, किसान आंदोलन करने आएंगे तो उनको आतंकवादी खालिस्तानी बता दिया जाएगा, नक्सली बता दिया जाएगा। पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग अगर कुछ करेगा तो उसको अर्बन नक्सली बता दिया जाएगा, मुस्लिम कुछ करने आएंगे तो उनको आतंकवादी बता दिया जाएगा, उनको जिहादी बता दिया जाएगा। ये इस सरकार का एक चरित्र बन गया है। जैसे आपने देखा होगा पार्लियामेंट में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को जो है आंदोलनजीवी कह दिया, परजीवी यानी कि कीड़े मकोड़े कह दिया। अब यहाँ जो है रविशंकर प्रसाद ने कह दिया कि आजकल एक नया ट्रेंड बन रहा है, पहले पीआईएल दाखिल करते हैं और जब उनके मन माफिक फैसला नहीं आता तो जज साहिबान को क्रिटिसाइज करते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरीके का क्रिटिसिज्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल ही हमने नई गाइडलाइन जारी की है सोशल मीडिया को लेकर। कैसे बता रहे हैं रविशंकर प्रसाद पूरे मामले को वो अब आप सुन लीजिए। 2-3 quick points and then I'll conclude. You may have seen day before yesterday I launched the national social media guideline. It was long overdue. We are supportive of freedom. We are supportive of criticism. We are supportive of dissent too. But the issue is not of use of social media. The issue is of misuse and abuse of social media. And should the people of India
टुडे नियरली 135 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया आर यूजिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया. Therefore, if someone is being abused, someone is being misused, should they have some grievance redressal mechanism or not? That's what we have provided. I'll not go into details of that, except to flag a matter of concern as the Law Minister of India. India is a free country. Anyone can speak anything. We can surely criticize the reasoning of the judgment. But I foresee a new disturbing trend which I need to flag today. Of late, some people have an opinion about something. They seek to file PIL, no problem, that's right. But then they start campaigning that we must have a judgment of this type only. And if the judgment is not in accord with what they perceive to be their view, then I see disturbing comments against judges as well on the social media, at times being trolled. This is grossly unfair. The judges of India, Supreme Court or High Court or District Court, must be given complete freedom to decide cases as per the knowledge of law and understanding. If you have any problem, offer your comment, analysis of the reasoning of the judgment, that's your right. But any kind of trolling, any kind of agenda setting, and if that is not in accord with that, then publicly criticizing sitting judges in the most virulent manner is not fair. For a long time I was thinking to share my this concern publicly, but I thought my own Patna High Court would be the best forum to articulate that. But this is not meant only for Bihar. This message is meant for the entire country. I would like to confirm. सुन लिया आपने एक एक कर तमाम चीज़ें उन्होंने रखने की कोशिश की. हालांकि बहुत लंबा चौड़ा बयान है, लेकिन हमने दो मिनट कुछ सेकंड की क्लिप निकाल के आपके सामने रखी है बताने के लिए कि उन्होंने अब एक नई बहस का मुद्दा दिया है कि अगर जिनके हक में फैसला नहीं आता वो जज साहिबान को जो है क्रिटिसाइज करते हैं. और ये किसकी मौजूदगी में वो कह रहे हैं? तमाम जज साहिबान की मौजूदगी में वो कह रहे हैं. ये तमाम जो है सवाल इसके बाद उठ रहे थे. मुझे लगा कि कुछ चीज़ें जो आपको रूबरू होना चाहिए जिनसे, वो रखने की कोशिश की, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है. जुडिशरी से जुड़ा हुआ कोई शख्स हो, शख्सियत हो, पूर्व कानून मंत्री हो, उसको इस पर बयान देना चाहिए और खुद जज साहिबान को इस पर बयान देना चाहिए कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है. क्योंकि कहा यह जाता है कि इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए. बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ. फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं. फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर. फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त.